वाली T20 सीरीज के लिए वेस्ट इंडीज की टीम का भी ऐलान हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि क्रिस गेल इस सीरीज में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने खुद वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड से अपना नाम वापस ले लिया इस सीरीज में खेलने से। क्या पूरा मसला है, क्यों वो भारत के खिलाफ नहीं खेलना चाहते, ये सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखें। और दोस्तों, आप भी MCB क्रिकेट फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ कहीं नीचे से अभी वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दरअसल दोस्तों, इस बार जो वेस्ट इंडीज की टीम का ऐलान हुआ है, जो भारत के खिलाफ T20 सीरीज खेलेंगी, उसमें कई बड़े बड़े सितारों ने अपनी जगह बना ली है। सुनील नरीन की वापसी हो गई है T20 वर्ल्ड कप 2020 को देखते हुए, अब वो लगातार T20 क्रिकेट खेलेंगे अलग अलग देशों के साथ। साथ ही दोस्तों, एंड्रयू रसेल भी इस सीरीज में खेल रहे हैं, तो कई बड़े नाम खेल रहे हैं जिनके नाम आप साइड में देख रहे हैं। लेकिन अभी तक क्रिस गेल ने अपना नाम नहीं दिया है, और सिलेक्शन से अहम मौके से पहले उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड से साफ कह दिया कि वो इस सीरीज में नहीं खेलेंगे। जो सबसे बड़ा रीजन था दोस्तों, वो है T20 ग्लोबल कनाडा लीग। दरअसल दोस्तों, 25 तारीख से 25 जुलाई से 11 अगस्त के बीच कनाडा में T20 ग्लोबल लीग खेली जाएगी। ये T20 लीग होगी जिसमें क्रिस गेल को हार्डली 5 से 7 मैचेस खेलने होंगे 15 दिनों के अंदर में, और इन 5 से 7 मैचेस खेलने के क्रिस गेल को आप बिलीव नहीं करेंगे 72 लाख रुपए मिलने वाले हैं। दूसरी तरफ, अगर वो भारत के खिलाफ T20 सीरीज के 3 T20 मैच खेलते हैं, तो उन्हें हर एक T20 मैच के 2 से 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। मतलब साफ है कि क्रिस गेल के लिए T20 ग्लोबल लीग एक फायदे का सौदा हुआ। क्रिस गेल की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, 1 से 2 साल के अंदर में वो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। इस समय वो 39 ईयर्स के हो चुके हैं। मतलब साफ है कि बहुत कम समय बचा हुआ है क्रिस गेल के साथ। अब ज्यादा समय है नहीं क्रिस गेल के पास पैसे कमाने का, क्योंकि एक बार अगर वो संन्यास ले लिए तो फिर वो ज्यादा लीग्स नहीं खेल पाएंगे। उम्र का तकाजा भी हो जाता है और उनकी कीमतें घटेंगी, इसलिए वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा वो दुनिया भर की लीगों से कमा लें। लेकिन इसी कड़ी में इंटरनेशनल क्रिकेट वेस्ट इंडीज को नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते तो वो जो एक फ्लेवर आता है ना क्रिस गेल का, वो इंडिया वेस्ट इंडीज सीरीज में नहीं आने वाला है। हालांकि दोस्तों, एक बात और है, सुनील नरीन, एंड्रयू रसेल, इन दोनों का सिलेक्शन भी T20 ग्लोबल लीग कनाडा लीग में हुआ था, लेकिन इन दोनों ने भारत के खिलाफ सीरीज को तरजीह दी। मतलब साफ है कि कई प्लेयर्स को पता है कि जब वो आज इतने लेवल पर क्रिकेट खेल रहे हैं, उसके पीछे IPL का हाथ है, भारत का हाथ है। अगर IPL नहीं होता तो इतनी बड़ी T20 क्रिकेट दुनिया भर में नहीं फैलती और ये लोग इतना ज्यादा पैसा कमा नहीं रहते। इसीलिए वो भारत के खिलाफ खेलने में हामी भर गए। चाहते तो सुनील नरीन और एंड्रयू रसेल भी मना कर सकते थे, लेकिन इन दोनों प्लेयर्स ने भारत के खिलाफ खेलने से मना नहीं किया। अब क्या बात करते हैं कि क्या आगे अगर वो खेलेंगे, मुझे नहीं लगता कि T20 ग्लोबल लीग को क्रिस गेल छोड़ने वाले हैं और वो पूरी T20 ग्लोबल लीग खेलेंगे। इसी कड़ी में वो भारत के खिलाफ मुझे नहीं लगता कि सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे। अब क्या क्रिस गेल सही है? मेरे हिसाब से तो गेल अपनी तरफ से सही है, वो अपने हिसाब से सही है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल क्रिकेट में फैंस भी सही है, फैंस तो चाहेंगे ना वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स नीचे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिए। कमेंट बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया पढ़ती है, जितने भी लोग वीडियो देखते हैं, तो कमेंट को नीचे जरूर कीजिए। अपने वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।